राजधानी जयपुर के झालाना स्थित ललित कला अकेडमी में चल रहे 10 दिवसीय क्रिएटिव आर्ट वर्कशॉप का समापन हुआ। इस मौके पर कला चर्चा के संयोजक ताराचंद शर्मा ने बताया कि 10 दिन तक वर्कशॉप में हर दिन अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सभी ने बहुत अच्छा योगदान भी किया। इसमें पेंटिंग, स्केच, डिजिटल आर्ट, फोटो संबंधित कई विषयों पर जानकारी प्राप्त की। इस कार्यशाला में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रतिभागियों की ओर से बनाई गई पेंटिंग को डिस्प्ले भी किया गया, जो 3 दिन तक जनता के लिए खुली रहेंगी। इस मौके पर प्रतिभागियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री स्वप्न गुहा, वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर जगमोहन, राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव सुरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। कला चर्चा की जो सृजन कार्यशाला जो थी उसका समापन है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हमने इसको समापन की ओर लेके चल रहे हैं और 10 दिन से यहाँ पर 10 विविध प्रकार की कला विधाओं को हमने सीखने के लिए रखा, जिसमें हमारे प्रतिभागियों ने बहुत बढ़ चढ़ करके और रुचि लेकर के इसमें भाग लिया। सभी ने अपना अपना अच्छा योगदान दिया, अपने अच्छे समय का अच्छा उपयोग किया, जिसमें आप देखिए बच्चों ने क्ले मॉडलिंग, पेपर मैशी, डेकोपेज, फड पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट, पिछवाई कला, लघु चित्रण कला, इन विविध कलाओं के साथ और बच्चों ने यहाँ पर अपना सीखने का कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने सुबह 8:30 बजे से लेकर के और दोपहर 1:30 बजे तक 2 सत्रों के अंदर यहाँ भाग लिया। आपको बता दें कि इस वर्कशॉप में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रतिभागियों का यहां पर सम्मान भी किया गया। जयपुर झालाना स्थित आपको बता रहे ललित अकेडमी में जो वर्कशॉप चल रही थी उसका समापन हो चुका है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।